वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन के बहुत ज़्यादा रीजन्स हैं. देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द रीजन्स दैट वाई वाइल्ड लाइफ इज़ डिप्लीटिंग. बट अगर हम उनको चूज़ करें तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट रीजन्स की बात करेंगे, और उन रीजन्स में सबसे पहली रीज़न है पर्सिक्यूशन बाय ह्यूमंस. पर्सिक्यूशन का उर्दू मतलब होता है जुल्म व सितम करना. दैट मीन्स वी आर एक्चुअली हंटिंग द एनिमल्स, वी आर बीटिंग द एनिमल्स फॉर नो रीज़न. वाइल्ड लाइफ का और ह्यूमन का जो कन्फ्लिक्ट है वो मेजर दो रीजन्स की वजह से है. नंबर वन इज लिविंग स्पेस एंड सेकेंडली द फूड. बिकॉज एज अ ह्यूमन हमें भी फूड रिक्वायर्ड है, हमें भी रहने के लिए जगह चाहिए. वाइल्ड लाइफ क्योंकि एक नेचुरल एग्जिस्टिंग चीज़ है, इसीलिए उनको भी इन दोनों चीज़ों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी ह्यूमंस को ज़रूरत होती है. तो दोनों का कन्फ्लिक्ट एक्चुअली इन्हीं दो मेजर रीजन्स की वजह से है जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है. सो दीज फैक्टर्स आर द मेन थ्रेट टू द कंटिन्यूड सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसी वजह से शायद बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को प्रॉब्लम आ रहा है फूड के हवाले से और उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के हवाले से. पर्सिक्यूशंस की जो मेन रीज़न है उनमें द वेरी फर्स्ट रीज़न इज वाइल्ड लाइफ ट्रेड. नाउ वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली द वाइल्ड एनिमल्स बट ऑल्सो द सर्टन पार्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, या वाइल्ड एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों. इनमें पार्ट्स में जो चीज़ या प्रोडक्ट्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उनका बुश मीट, आइवरी, हाइड्स, ट्रॉफीज, फर. हर एनिमल की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कंसिडरिंग मारखोर विच इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, उसको हंट किया जाता है, उसको किल किया जाता है या किया जाता रहा है उसकी ट्रॉफीज़ के लिए. सिमिलरली अगर आप आइवरी की बात करें तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो हाथी दांत से बनते हैं, यानी एलिफेंट टस्क से ये एक्चुअली इसकी प्रेपरेशन होती है. सो इस पर्पज़ के लिए एलिफेंट्स की भी ट्रेडिंग की जाती है. सो इसके लिए इन्हीं सारी चीज़ों के लिए एनिमल्स को हम लोग बीट करते हैं या एनिमल्स को टेम करते हैं या एनिमल्स को किल करके उनके इन प्रोडक्ट्स को हासिल किया जाता है. अनदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रैपिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. हम क्यों इन एनिमल्स को पकड़ रहे हैं, क्यों इन एनिमल्स को टेम कर रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रीजन्स हैं. एक तो सबसे बड़ी रीज़न कि हम इनको पेट्स बनाने की कोशिश करते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल खूबसूरत दिखने वाला है हम उसको अपने घरों में रख सकें. लाइक पैरट्स को लोग रखते हैं, वाइल्ड पैरट्स को. इसी तरह वाइल्ड कैट्स को भी अब पेट बनाने का जो रिवाज है वो आ गया है. सिमिलरली कुछ वाइल्ड एनिमल्स को की सेल की जाती है जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज, तो इस पर्पज़ के लिए भी हम इनको ट्रैप करते हैं. इनमें जो एनिमल्स शामिल हैं अगेन वो मॉन्की और रैबिट्स वगैरह हैं शामिल. सर्कसेस के लिए, स्ट्रीट शोज के लिए हम कई दफ़ा देखते हैं, जब भी हम किसी रोड साइड पे विजिट कर रहे होते हैं या अदरवाइज जा रहे होते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी वेल बीइंग यहाँ से चल रही है, जिनकी लिविंग इस सारे सिस्टम से चल रही होती है. वो लॉयंस को सर्कस में लेके आते हैं और एक रेवेन्यू जनरेट वहाँ से होता है. सर्कस एनिमल्स में न सिर्फ लॉयन शामिल है, पैरट शामिल है, बियर भी एज वाइल्ड एनिमल उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है. पोचिंग, दिस इज एक्चुअली द इलीगल किलिंग. समटाइम्स ये होता है कि एनिमल्स को किल करना या हंट करना अलाउ नहीं होता. स्पेसिफिक डेज में अलाउ किया जाता है, मगर जिन डेज में अलाउड नहीं है पीपल एक्चुअली दे किल दोज एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पजेज. जिस तरह भी हमने बात की कि उनके प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समटाइम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उन एनिमल्स को किल करके उनको स्टफ किया जाता है जस्ट फॉर द डेकोरेशन एंड ब्यूटिफिकेशन. इस इलीगल हंटिंग में बुश मीट भी शामिल है, ट्रॉफीज भी शामिल हैं. सिमिलरली एब्सर्ड किलिंग फॉर नथिंग, हम लोग उन एनिमल्स को मार रहे हैं. और एब्सर्ड किलिंग में टाइगर, जैकॉल, वुल्व्स हैं जिनको फार्मर्स किल करते हैं. बेसिकली फार्मर्स की किलिंग की रीज़न ये है कि ये जो एनिमल्स हैं, ये जो कार्निवोर्स हैं, ये ह्यूमन के साथ इंटरवीन कर रहे हैं, उनके लैंड्स को डैमेज कर रहे हैं, उनकी लाइफ स्टॉक को डैमेज कर रहे हैं. सो इकोनॉमिक लॉसेस का बायस बनते हैं.